हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिना लहसुन प्याज के पनीर का सब्जी। अगर आपको कभी लहसुन प्याज नहीं खाना हो, कोई त्यौहार हो जैसे सावन हो, कार्तिक हो, कितने लोग नहीं खाते हैं, तो अगर आपको खाने का मन कर दे पनीर का सब्जी, तब बना सकते हैं। चलिए आपको सामग्री दिखा देते हैं, बताते हैं कैसे हम बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। पहले हम सामान देख लेते हैं। इसका सामानों में आप पनीर आधा किलो ले ली हूँ। अरे चार टमाटर को मैं पीस ली, इसमें छोटा सा एक टुकड़ा मैं अदरक के भी डाल दी थी, मिक्सी में पीस ली हूँ अच्छी तरह से। और ये एक चम्मच हमारा खसखस है, इसे मैं फूलने के लिए 10-15 मिनट के लिए डाल दी थी। अरे दो चम्मच काजू है, और कुछ खड़े मसाले हमारा एक तेज पत्ता है, ये दालचीनी का टुकड़ा है, 5-7 लौंग है, 2-3 इलायची है, 2 बड़े इलायची है। बिना अदरक बिना लहसुन प्याज के बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर गैस के चूल्हा पर एक पैन बैठाएंगे। तो पहले मैं पनीर को सेक लेती हूँ। थोड़ा सा मैं बटर डालूंगी, एक चम्मच में बटर यहाँ पर डाल दी, और साथ में मैं एक चम्मच इसमें ऑयल डालूंगी। तो मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ एक चम्मच, इससे बटर जलेगा नहीं तो खाली बटर डालने में जल्दी जल जाता है। इसे गर्म होने देते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो गया, मैं एक कतर से सारे पनीर के पीस को डाल दूंगी। तब इसे हम उलट पलट करके सेक लेंगे सारे पनीर को। ये थोड़ा सॉफ्ट वाला पनीर था, इसलिए हम इसे सेक रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे कच्चे भी इसे डाल सकते थे। जब तक हमारा पनीर सिक रहा है, तब तक मैं यहाँ पे काजू और खसखस को पीस लेती हूँ मिक्सी में। तो यहाँ पर मैं पनीर को सेक लिया हूँ। देखिए मैं पनीर को सेक कर निकाल, आइस पैन में थोड़ा सा और ऑयल डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बड़ा चम्मच और ऑयल डाल दूँगी सेम इसी पैन में। तो तेल हमारा गर्म हो गया, तब इसमें हम 1 चम्मच डाल लेंगे जीरा। तो मैं यहाँ पर जीरा डाल दे रही हूँ, फ्लेम को मैं थोड़ा हाई कर देती हूँ। अरे सारे खड़े गरम मसाला देखो, उसे भी हम डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच साथ में हमें यहाँ पर एक कम तीखी वाली होती है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे साथ के साथ। तो यहाँ 1/2 चम्मच में डाली हूँ, और हल्दी पाउडर जो था हमने 1/6 चम्मच डाली थी। इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है, और जो मैं प्यूरी बना कर रखी थी टमाटर को उसे डाल देंगे। ऐसे थोड़ी देर के लिए साथ में हमें यहाँ पर किचन किंग मसाला भी मसालदानी वाले चम्मच होता है उसी से 1 चम्मच भर के हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं जो खसखस पीसे थे उसे भी हम डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे भून लेते हैं, जब तक मसाला सही से ना भुना जाए। मसाला हमारा भुना गया है, और उसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे। आपको जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डाल दिए। इस पानी में उबाल आ गई है, अब इसके अंदर हम काजू का पेस्ट जो पीस कर रखे थे उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं काजू का पेस्ट डाल देती हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और साथ में हमें यहाँ पर 1 चम्मच पनीर मसाला डालेंगे। ये देखिए मैं पनीर मसाला ले ली, इसे भी मैं 1 चम्मच डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच मसालदानी वाला चम्मच है उससे भर के डाल ली हूँ पनीर मसाला। अब इसके बाद हम पनीर जो फ्राई करके रखे थे उसे डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा पनीर डाल दूँ, सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं पनीर डालकर चला ली हूँ। अब इसको मैं कुछ देर के लिए ढक के छोड़ देती हूँ। हम यहाँ पर नमक डालना भूल गए थे फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं। तो अपने अंदाज से हम नमक डाल देंगे, इसमें नमक हमें डालनी है।
ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो 5 मिनट के बाद मैं देखती हूँ फ्रेंड्स कैसा बना है हमारा सब्जी, तैयार हो गया बनकर। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और 1 चम्मच में यहाँ पर कसूरी मेथी डालूंगी। ये कसूरी मेथी मैं भून ली थी थोड़ा सा तवा और उसको क्रश कर ली थी, उसे डाल ली। ये घर पर मेरा बनाया हुआ कसूरी मेथी इसलिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। इसे मैं मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से और मैं थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच बटर डाल दूंगी टेस्ट के लिए, अच्छा टेस्ट आता है इससे। और ऊपर से थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता फ्रेश कटा हुआ डाल दूंगी। हमारा तैयार हो गया बनकर। यहाँ पर मैं सर्विंग बाउल में निकाल ली हूँ फ्रेंड्स और ऊपर से थोड़ा सा और मैं गार्निशिंग कर लूँगी धनिया पत्ता से। अगर आपको ये मेरा रेसिपी अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को जरूर लाइक करें फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो नया लेकर आती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।